नमो वित्रागाय नमो अरिहंतानं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो वज्जायानं नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम एषो पंच नमुक्कारो एषो पंच नमुक्कारो सव पाव पणासनो सव पाव पणासनो मंगलानं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, हाँ बताइए। आज सूर्य ग्रहण ने बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण बोलते हैं, तो इसका अपने जीवन जीवन में क्या अंतर पड़ता है? पहला तो ये शारीरिक स्थिति जो बनती है ना प्रकृति में, हाँ, तो बहुत जीवाणु वगैरह आ जाते हैं। क्या है जीवाणु? हाँ हाँ, क्योंकि अंधेरे सूर्य की अनुपस्थिति में सब वातावरण ऐसा दूषित हो जाता है, और खास करके इतने सारे जीव उत्पन्न होते हैं। ओहो, ज्यादा उसमें उद्देश्य में, इसीलिए और ग्रहण का ये साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीके से भी उसको बताया है, इसलिए उसको उसके सामने सीधा नहीं देखना है, क्योंकि कुछ प्रकार के किरण जो आते हैं तब सूर्य ग्रहण के समय में, तो वो बहुत हमारे शरीर के लिए आंखों के लिए नुकसान करता हो जाता है। कुछ लोगों को यह अनुभव हुआ है, यानी कुछ लोगों को इससे परिणाम भी आया कि उनकी आंखें चली गई है। ओहो, ऐसा है। तो ये तो शारीरिक स्तर पर यानी कक्षा की बात कही। आगे ये सूर्य को ग्रहण लगना यानी बुद्धि को ग्रहण लगना, बुद्धि को, अपने बुद्धि को, यानी नहीं, यानी बुद्धि को ग्रहण लगेगा तो क्या होगा? बुद्धि काम करना अच्छा। बंद हो जाएगी तो अच्छा है ना। ये बात समझना है तो क्या है, ऐसी परिस्थिति में हमें बाहर निकलना नहीं चाहिए। उसके जो कुछ नहीं हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं वो समझदारी से बनाए हैं। जैसे कि हमने अभी लेट ही खाना खाया, बताया कि उस समय में खाना नहीं खाना चाहिए। ये नहीं खाना चाहिए, हाँ ऐसे बताया है। अगर आपने खा लिया तो अभी तो खाना हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकते। वो तो तीन नहीं, 2 बजे के बाद खाया है, 1:30 बजे के बाद खाना था, 2 बजे खाया है। हाँ वही वही है। तो ये सब है, उसके नियम पालन करना है तो उसका हमें नहीं, वो उसके उस समय क्यों नहीं खाना है, क्या फर्क पड़ता है? वो तभी बहुत वातावरण दूषित होता है ना, उसके अच्छा, जो किरण अच्छा, वगैरह है वो अच्छे नहीं होते है, इसीलिए इसलिए मंदिर, इसलिए मंदिर के दरवाजे भी बंद कर देते हैं, मंदिर बंद करते हैं। बराबर है, वो तो सब करते हैं। वो मंदिर बंद क्यों करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अभी वो तो मुझे भी नहीं मालूम है ज्यादा, लेकिन तभी क्या ये वातावरण में हमारे भाव कैसे हो, यानी कोई आए नहीं बाहर, अपने घर पर रहे। मंदिर खुला होगा तो भी बाहर आएंगे ना, घर से बाहर आएंगे फिर से जाएंगे, तो मंदिर भी बंद किया तो समझ लिया कि नहीं आना है। संक्षिप्त में हमारे घर पर रहना है, धर्म ध्यान करना है, कुछ भी करो, घर के बाहर मत आओ। तभी वैसे कोरोना भी है, उसके लिए भी नहीं जाना है।
हाँ वो तो है ही ना। ठीक है, जय ठीक है, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती बहन बोलिए। ओके, जय सच्चिदानंद साहब। मारे पूछो तो, सॉरी गुजराती में पूछो। हाँ गुजराती में पूछ सकते हैं, मेरे जवाब हिंदी में आएगा, लेकिन ओके, आज दैट्स थोड़ी ओके, आवाज चेंज हो गई, वैसे दैट्स भी ओके, दैट्स ओके। वो कूलर साहब ने बताया मुझे ऐसा। कनु दादा श्री अपन ने दवा लेता, मेडिसिन लेता, प्रार्थना कही थी करवानी, तो आई यूज टू डू इट। केटला वक्त पाछी हवे रही गई, तो आज मने याद आवी, તો મેં કહ્યું પૂછી જો કે કેટલી, ઇટ વોઝ ગુડ, કારણ કે સારી પ્રાર્થના હતી, અને આપણે ના થઈ શકે કે ના કરી હોય તો કરવી જોઈએ કે ના કરવી જોઈએ? ऐसा है ना, क्या बताया है, कोई भी कार्य जो भी कार्य करे वो कर्म का परिणाम है। कर्म का परिणाम है, यानी जहां पर उस कार्य के अंत में उस कार्य का भुगतान होगा, और वो भुगतान हमें किसी न किसी प्रकार से विचलित कर सकता है। तो बताया कि उसके पूर्व, वो कार्य के पहले, अगर आप विधि करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो पहली बात, उस कार्य के दरमियान आपको कुछ शांति रहेगी, कुछ विवेक रहेगा, जागृति रहेगी, और उस कार्य के दौरान जो आपको भुगतान आता है, उस भुगतान में आपको सही ढंग से समता समभाव रहेगा। मूल ओके, ऐसा बताया है कि कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए उस कार्य को विधि पूर्ण किया जाता है। विधि का मतलब प्रार्थना भी है, विधि का मतलब हमारा निश्चय भी है, विधि का मतलब उस क्रिया की ढंग से विधि, उसकी रीत कैसे करना है, वो भी आ जाता है। એટલે जैसे આપ પણ થાય ને हाँ કે આપણો બોલો, નિશ્ચય છે ને કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયથી કોઈ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ના થાય, તો આ પ્રાર્થના કરીએ તો ઇટ્સ ગુડ, કારણ કે આ તો દવા તો ખા ખા કરે છે, આઈ વી ડોન્ટ નો કે કેવી રીતે દવા બની છે. લેકિન इसके पीछे का मतलब ये है। तो जैसे जैसे, एक बार तो पहला क्या है कि हम ऐसे ही करना है करके करते हैं, यानी वो शायद जैसे कि मैकेनिकल करते हैं, नॉट एक रूटीन, नो 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 विधि। नो अरे ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप मैकेनिकल ही करते हैं, शुरू में जब उसकी समझ नहीं होती है तो मैकेनिकल करते हैं। बरोबर, ये बच्चे ओके, त्रिमंत्र बोलते तो क्या समझ के करते हैं? नहीं करते हैं, वो शुरुआत में ऐसा ही होता है, फिर धीमे धीमे उसकी समझ आती है, तो समझ के कारण उसका परिणाम भी बदलता है। ऐसा है, शुद्धात्मा बार वाला भी बोले, यानी जिनको ज्ञान नहीं मिला है वो शुद्धात्मा बरोबर, हम भी बोले, और शुद्धात्मा बोले बगैर शुद्धात्मा हूं करके दादा भगवान भी रहते हैं। तो ये तीनों में बोल मूल शुद्धात्मा ही है, लेकिन सबके परिणाम अलग है ना। ऐसा है, तो जैसे अंदर की समझ बढ़ती जाती है तो वो विधि का प्रकार भी अपने आप बदलता है, लेकिन दैट्स राइट. इसका मूल का उसका कारण क्या है विधि करने के पीछे, कि हमारे कार्य में जो आज हम कर रहे हैं उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है। बरोबर, जैसे ये जो रॉ मटेरियल से, जो मटेरियल से बना है, वो कहाँ उगाया था, कहाँ बनाया था, कहाँ कहाँ उसको गोली करके बनाई, और को बनाया कौन कौन कितने लोग हमारे घर तक, हमारे पास पहुंचने तक कितने लोग निमित्त बने हैं, और बरोबर, आज हमें वो दवाई समय पर मिलती है और वो हमें लाभ करती है। तो उन सभी लोगों, सभी लोग जो जो मुझे दवाई पहुंचने तक के निमित्त बने हैं, बनाने के निमित्त, पहुंचाने के निमित्त, और वो गोली खा के मेरी जो कमी है, मेरा जो रोग है, उसका निवारण हो, और वो रोग भी खुद वितराग है, वो
उनको ये नहीं कि मुझे इधर जाना है कि उधर नहीं जाना है, लेकिन हमारी कुछ गलती से के वजह से ये सब होता है, तो हम उनको भी नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से ये विधि करने से इतना सब लाभ है। लेकिन अभी तो ऐसा है ना, हमारी जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी तो उसमें वो परिणाम आते रहेंगे, लेकिन वैसे भी क्रिया से भी करते हैं तो उसका लाभ जरूर से है। समझ के श्रीखंड खाए, नवे समझ से खाएंगे, तो सब समझ से खाएंगे। थैंक यू, अरे सारू कार्य, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अब क्या करना है, कौन पूछने वाले हैं? देखो 31 लोग हैं, उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों ने स्क्रीन ऑन रखी है। बंसल साहब आप कुछ फरमाएंगे, बोलिए। यही सच्चिदानंद, ठीक है। ये एक मिनट, ये प्रश्न आया है विभूति बहन का, वो विभूति बहन पूछो। हाँ बोलिए। मुझे एक प्रश्न है कि दादा भगवान जब थे तब दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो कैसे कीर्तन भक्ति बाहर पड़ी, उसके बारे में बताइए। कैसे बाहर पड़ी? यस, ऐसा था, कविराज दादा भगवान और सब महात्मा लोग केसरिया जी गए थे। केसरिया जी यानी जहां पर ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा है, कृष्ण भगवान का भी मंदिर है और शिवालय भी है, ऐसा बताया गया है। हम भी गए थे वहां पर, फिर बाद में कीर्तन भक्ति वहां हुई थी तब हम गए थे, कविराज भी आए थे। तो ऐसा बताते हैं कि तब दादा भगवान ने बताया था, बाहर वो भक्ति करवाते थे तो बाहर बैठे बैठे बताया कि वे जो ऋषभदेव भगवान अंदर है वही ऋषभदेव दादा भगवान आज यहाँ प्रकट हुए हैं। तो ये जब दादा भगवान ने बताया तब कविराज श्री को एकदम भाव हुआ और उनके मुख से यह निकल गया, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। और तब ऐसा बताया था कविराज श्री ने कि करीबन 1 घंटे तक दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो गाया था सब लोगों ने, महात्मा लोगों ने दादा भगवान के आगे पीछे ने घूमकर बनाया था, गाया था सब लोगों ने दादा भगवान असीम जय जयकार। और तब से ये बात भी हुई और दादा भगवान भी बताते थे कि वो 4 डिग्री पूरी करने के लिए मैं भी भीतर के प्रकट दादा भगवान का जय जयकार बुलाता हूँ, जो 360 डिग्री के है, सभी जीव मात्र के भीतर है लेकिन वे प्रकट नहीं है। तो वो प्रकट करने के लिए ये कीर्तन भक्ति गाएंगे। तो इसके बहुत सारे फायदे बताए हैं। पहले तो बहुत उसका लाक्षणिक परिणाम यह है कि कीर्तन भक्ति करते हैं ना, सारा विश्व भूल जाते हैं। याने कभी भी ये जगत का विस्मरण कभी होता नहीं है, उसका स्मरण रहता ही है। और वो जो सब याद आता है उससे हम परेशान होते रहते हैं, कोई ना कोई याद आता है, कोई ना कोई परिस्थिति याद आती है, संजोग याद आता है। तो वो क्योंकि वह याद आने के पीछे हमारे राग द्वेष होते हैं और जिसके कारण वो पूरी याद फिर से ताजी हो जाती है और तब जो परिस्थिति हुई थी, जो भुगतान हुआ था, वो आज भी फिर से जागृत हो जाता है और उसकी असर में हम आ जाते हैं। एक बहुत सामान्य उदाहरण लेते हैं कि समझो हमारे घर में कोई गुजर गए हैं, जैसे कि मैं मेरी बात बताता हूँ, हमारे पिताजी गुजर गए 1982 में। तो किसी के भी फ्यूनरल में जाते हैं
और वहां अगर वो तो कोई ना कोई किसी के पिता होते हैं तो तब मुझे अपनी याद आ ही जाती है। तो ये जैसे ही याद आता है तो फिर उसके असर के बहाव में हम बह जाते हैं, उसकी असर होती है। यानी ये तो एक बात है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि हमें असर करती रहती है। जैसे विचार मात्र, हमें ऐसे ही विचार आते नहीं है। विचार आने का कारण क्या है? हम कुछ देखते हैं, हम कुछ सुनते हैं, हम कुछ स्पर्श करते हैं, हम कुछ सूंघते हैं या चखते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा मन जागृत हो जाता है, मन में उसकी असर पहली आती है और फिर उसके पीछे चित्त सब बुद्धि और सब असर हमें ग्रहण कर लेती है, पकड़ के रखती है। अभी यानी कहने की बात है, सभी संयोग यह असर लाती है। यानी ये विश्व का स्मरण हमें ऐसे ही हो ही जाता है संयोग मात्र में, अवस्था अवस्था पर। और ये दादा भगवान असीम जी कारण बोलेंगे तो ये दादा भगवान, भगवान यानी जो ज्ञान से भरपूर है। भग यानी प्रकाश, कौन सा प्रकाश? ज्ञान प्रकाश से भरपूर। और दादा भगवान उसका मतलब क्या है? जो ज्ञान प्रकाश वयोवृद्ध है, पूर्णता को पाए हुए है। तो ऐसे दादा भगवान, ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप, उनकी हम आराधना करते हैं जो हम है। अगर जान कर करते हैं तो उसका जान कर हमें उसका लाभ मिलता है, अनजाने में करते हैं तो अनजाने में भी लाभ मिलता है। क्योंकि ये दवाई जो दी है दादा भगवान ने बताया कि हम भी करते हैं, हम भी करते रहते हैं। बोले दादा आपको क्यों करना है? बोले मुझे 4 डिग्री पूरी करनी है। क्योंकि दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, वह प्रकट परमात्मा की स्तुति है, कीर्तन है, गुणानुवाद है। और अगर वो करेंगे तो हमारा तार सीधा भगवान से जुड़ जाता है और जो ध्यान प्रकट होता है वो हमें भगवान से एकाकार करवाता है। और जब हम भगवान से एकाकार होते हैं तो ये विश्व विस्मृत हो जाता है, उसकी स्मृति चली जाती है, उसकी असर चली जाती है। तो ऐसा हुआ था, एक बार एक ऐसे भाई आए थे, मुमुक्षु आए थे और दादा भगवान को अपनी मुश्किल जो थी वो बताई, जो संयोग थे। तो फिर दादा भगवान ने समझाकर बताया कि अभी ये हमने भगवान की कृपा उतारी है, विधि की वगैरह की उन्होंने। और फिर आखिर में बताया कि अब दादा भगवान ना असीम जय जयकारो बोलिए और आपके पीछे पीछे ये सब महात्मा बैठे हैं वो भी बोलेंगे। दो 5 मिनट तक बुलाया, फिर कहा अब घर जाकर हर रोज 10 मिनट ये करना, आपकी जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी, भगवान की दुआ आपको मिली, अब इतनी दवा आपको करनी है। तो भाई साहब फिर 5-10 दिन के बाद आए और फिर दादा भगवान ने पूछा उनको कि कैसा है। बोले दादा जी अभी भी समस्या है। तो दादा भगवान ने पूछा कि वो दादा भगवान असीम जी जी करो आपने किया? बोले नहीं दादा भूल गया। तब दादा भगवान ने ऐसा बताया था कि अगर आप भूलने ही वाले थे तो मुझे बताया था, बता देना था, आपके लिए मैं कर लेता। क्या बात बताई कि जो दवाई ज्ञानी पुरुष ने दी है और वो 10 मिनट की बात है, वो भी अगर हम नहीं करते, लेकिन ये
समझना क्या है कि ये समय के जो मनुष्य भी है ना, वो ऐसी कर्म की पीड़ा लेके आए हैं, कर्म का धक्का लेके आए हैं कि ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद उनकी बताई हुई दवाई भी उसका उपयोग नहीं कर सकते। इनके पीछे उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये बात समझना है कि दवाई मिलने के बाद दवाई का उपयोग न होना, वो कर्म का कितना गहरापन हमें समझ में आता है। लेकिन ये मूल बात है, यानी जो भगवान को पाना चाहते हैं, यानी उसे ध्याता बोलते हैं, और भगवान को पाना है, भगवान हमारा ध्येय है, और ध्याता और ध्येय के बीच में जो ध्यान करना है, ब्रिज करना है, कनेक्ट करना है, ताकि ध्याता ध्येय को पहुंच सके, यानी हम भगवान का अनुभव कर सके। तो बताया ये दादा भगवान आसिम जय जयकारो बड़ा आसान सा तरीका है। बोलो, अभी ऐसी बात है। फिर एक और भी बात बताई कि हमारे कर्म की परिस्थिति ऐसी है, यानी जो दादा भगवान को मिले नहीं है, मोक्ष है, पाने की इच्छा से आते हैं, पाना है जिनको, प्राप्त करना है, तो कर्म के धक्के इतने भारी है कि बोले उनको धर्म पाने के लिए जैसे कि अनंत अवतार चले जाएंगे, लेकिन ये नसीब नहीं होगा। अब दादा भगवान ने सब बताया जो दादा भगवान असीम जय जयकारों करते हैं, क्योंकि ये प्रकट परमात्मा की सीधी भक्ति है, स्तुति है, कीर्तन है, तो ये अगर कीर्तन भक्ति करेंगे तो जैसे इतना जत्था है कर्म का, वो इस तरह से हो जाएगा, यानी ऐसे ही सब चले जाएंगे। इतना बल है दादा भगवान असीम जय जयकारों। इसीलिए दादा भगवान भी खुद बता देते, हमें नहीं पता था कि ये दादा भगवान का यश नाम कर्म इतना होगा, और भी खुद बता देते कि मैं दादा भगवान नहीं हूं, मैं तो एम पटेल हूं, भादरन का वतनी हूं, कॉन्ट्रैक्ट का मेरा धंधा है, और 356 डिग्री मेरी हुई है, प्राप्त हुई है, वो 4 डिग्री पूरी करने के लिए दादा भगवान पूर्णता से 360 डिग्री के होने के लिए मैं भी ये कीर्तन भक्ति करता हूँ। यानी दादा भगवान और ज्ञानी पुरुष उन्होंने ऐसा अच्छा सा स्पष्टता से उसका भेद बता दिया, और वे कैसे आराधन करते हैं बताया। अब किसी को समस्या है, मानसिक यानी उसे आदि बोलते हैं, शारीरिक उसे व्याधि बोलते हैं, फिजिकल वो मानसिक मेंटल, और उपाधि यानी बाहर से आई तकलीफ, ऐसी अगर परिस्थिति है जो कर्म के परिणाम ही है, लेकिन उसका धक्का कम करने के लिए, उसकी असर कम करने के लिए अगर आप दादा भगवान असीम जय जयकारों बोलेंगे, प्रार्थना करके उसकी पूर्णता के लिए, तो बोले उसका फल मिलेगा आपको। किसी को कुछ करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई भी समस्या है, सामाजिक तकलीफ है, संबंध की कोई तकलीफ है, या आर्थिक परिस्थिति गंभीर है, धंधा नहीं चलता है, पढ़ाई में कमजोरी है, कोई किसी के साथ का केस बन गया है, कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी का झमेला हो गया है, तो बोले वो परिस्थिति को लक्ष्य में रखकर कि इसे हमें समाधान से निपटारा लाना है, निकल आना है, संभाव से निपटारा करना है, अगर वो भी हम भाव में रखेंगे और इसकी फल स्तुति के लिए, यानी इसके अच्छे परिणाम आए, इसके अच्छे परिणाम के लिए हमें दादा भगवान असीम जय जयकारों बोलेंगे,
तो वो फल हमें प्राप्त होता है। यानी दादा भगवान आसीम जी जी करो इतनी सामान्य चीज है, लेकिन असामान्य परिणाम हमें मिलते हैं और बहुत लोगों को इसका सीधा अनुभव है। और ये जो उदाहरण दादा भगवान के साथ हुआ था, वहां तो तब मैं हाजिर भी था, दादा भगवान ने कभी बड़ी करुणा से उनको बताया था कि अगर आप नहीं कर पाते मुझे बता लिया होता तो मैं कर लेता आपके बजाय। यानी दादा भगवान ने ये जो सभी सत साधन दिए है, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नौ कलम, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना और दादा भगवान असीम जय जयकारो, ये समय की जो दुविधा है, ये समय की जो समस्या है, इस समय की जो रोग है, कठिनाइयां है, इसकी दवा ये पांच छत साधन में रख दी है। इसीलिए क्या कहा, कृपा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने के बाद ये जो व्यवहार के धक्के होते हैं ना, तो उसके समाधान के लिए दादा भगवान ने ये दिए। ऐसा बताया है कि वो इतना बड़ा पत्थर अगर हमारे सर पर गिरने वाला है तो हमारे सर की क्या हालत होगी हम समझ सकते हैं। वो छोटा सी कंकर लगती है, अगर कंकर लग जाती है तो सर तो बच जाएगा, लेकिन इतना बड़ा पत्थर गिरेगा तो क्या होगा, हमारा एक ठिकाना नहीं रहेगा। इतना बलवान है, इतनी शक्ति दादा भगवान ने इन सभी सत साधनों में रखी है, उसका उपयोग जितना भी करेंगे, ये जो नए लोग आते हैं जिनको ज्ञान नहीं मिला है, वैसे ये पांच छह साधन ज्ञान से भरपूर है। बिल्कुल, तो ये सत साधन में और खास करके दादा भगवान असीम जी जयकार बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो ये इसका लाभ है। और दादा भगवान का जो ये यश नाम कर्म है, यानी उनकी जो साधना थी अवतारों से, ऋषभदेव भगवान से वे चले आ रहे हैं और साधना करते करते यह जन्म में इस विकट परिस्थिति में प्रकट हुआ, और इतना बल है इसके पीछे, योग बल, कि जो दादा भी बोलेंगे ना गलती से बोले तो भी उनका काम हो जाएगा, ऐसा है। तो ये दादा भगवान ये शब्द नहीं है, ये इस समय का योग, उसको क्या बोलेंगे, यश नामी कर्म का एक बहुत बड़ा योग है हमारे लिए, सभी के लिए, जीव मात्र के लिए सभी, क्योंकि दादा भगवान भक्ति नहीं है, वो केवल ज्ञान स्वरूप, जो स्वरूप हमारे सभी के भीतर है उनको प्रकट करने के लिए ये है, ऐसा है, समझ गए। बच्चों को आप करवाएंगे तो अपने आप उनको संस्कार मिल जाएंगे। हाँ, हम सैटरडे संडे करते हैं, पता चलेगा कि वो कैसे ऐसे हो गए, अच्छे हो गए, ऐसा है। ठीक है, हाँ ठीक है, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। कुलर जी बोलिए। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद साहब, अभी ज्ञान लेने के बाद हमारे लिए दो ही चीजें रह गई हैं, पांच आज्ञाओं में रहना और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहना। ये दोनों के लिए जागृति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कई बार जागृति बहुत शार्प होती है और जब वो थोड़ी देर रहती है तो ऐसा आभास होता है कि ये बहुत, इसमें कितनी सहज है ये जागृति रखनी और इतना आसान है, लेकिन वो फिर जब वो गायब हो जाती है तो उसके बाद में तो घंटों क्या, वो तो आधा आधा दिन भी निकल जाएगा, वो ऐसा हो जाता है। सही है, सिर्फ रिग्रेट रह जाता है कि अरे ये कैसे हुआ। तो आप सब, आप पुत्र जो हैं उनको दादाजी का योग मिला, तो आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत पुरुषार्थ किया होगा, और हरेक की प्रकृति के लिए अलग अलग साधन या अलग अलग पॉइंट्स आप लोगों ने
इसको करने के लिए किए होंगे। तो आप अपना अनुभव से हमको कुछ, जो अगर कुछ दो चार कोई टेबलेट्स दे सकते हैं कि जिससे हम हमारे कुछ काम में आ पाए। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा आवरण, आवरण ऐसे बताया है, बाहर भी बताया है कि धर्म की शुरुआत, धर्म स्पिरिचुअलिटी की बिगिनिंग आहार के विवेक से होती है, आहार के संयम से होती है। राइट। और उसकी पूर्णता आहार की पूर्ण जागृति से होती है। ओके। अब मैंने अपने आप पर कुछ ऑब्जर्वेशन किया है, निरीक्षण किया है, और जैसे जैसे ये लॉकआउट में तो सभी जगह से महात्माओं ने, आप्तो पुत्रों ने बड़ी अच्छी थप्पड़ी मारी है। कोई यहाँ से मारता है, कोई वहां से मारता है, कुछ इधर ऐसा लगे ऐसा ही करके धड़ाक से मारते हैं। अरे हम तो आपके बहुत आभारी हैं सब, आपने बहुत मदद की है। तो मेरे एक बात मेरी समझ में आ गई, खाना खाने के बाद पहला हमारा वजन कितना है वो देख लेना है। ओके। दूसरा, खाना खाने के बाद नींद आती है, एक और प्रमाण है। तीसरा, हम क्या खाते हैं, क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, और ये खाना हमें कितना खाना है। जैसे कि हमारे सारे दिन की जो क्रियाएं हैं, शारीरिक मानसिक क्रियाएं जो है, उसके लिए जितना चाहिए उसे 10% सेफ्टी मार्जिन, 20% सेफ्टी मार्जिन रखेंगे तो ठीक है, 25% रखेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी सेफ्टी मार्जिन मल्टीपल टाइम्स है, जिसके कारण खाना खाने के बाद सीधा बिस्तर याद आता है। और अगर अहंकार करके कुर्सी पर बैठ गए ना तो वहां लुढ़क जाते हैं, नींद आएगी। ऐसा करके मैं तो कई बार ऐसा यहाँ बैठ जाता हूं ना, तो यहाँ बैठे बैठे, यही जगह पर बैठे बैठे कई बार सो ही जाता हूं। वो बोलेंगे ये क्या बात है, बैठे बैठे नींद कैसे आ जाती है। यही समझना है, यही समझना। कुछ लोग बोलते बैठे बैठे तो मुझे कभी नींद नहीं आती। तो यहाँ क्या है कि ये सब प्रमाण को लक्ष्य में रखकर एक नॉर्मालिटी आने की जरूरत है। राइट। आज पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वी आर ओवर ईटिंग। डेफिनेटली, एटलीस्ट आई एम ओवर ईटिंग। फिर उसका सेहत का बहाना बनाते हैं, कुछ भी, जो भी बहाना बनाना, बहाना तो कहाँ कम है, कोई भी बहाने से डाल लेते हैं। एक प्रमाण है, ये जो दिगंबर साधु होते हैं ना, हाँ जी, वैसे भी दादा भगवान ने और दादा भगवान का ज्ञान पाकर हम दिगंबर ही हो ही गए हैं। आत्मा निरावरण हुआ तो हम दिगंबर हो गए, हमारे सभी दिशाएं एक समान ही है। ये इतना, इतने में इसको क्या बोलेंगे, एक चोली में जितना आपको, हाँ, एक चोला बोलते हैं ना, ये इतना चोली बोलते हैं, ये एक चोली में जितना आता है ना, दिन में एक बार खाना होता है। योगी मैं तो अपने आप को खाते हुए देखकर शर्म आती है मुझे। बिल्कुल सही है। आप सोचिए कि हकीकत में हमारे शरीर को इससे ज्यादा जरूरत है ही नहीं। और वैसे भी सारे दिन में हम कौन सी ऐसी शारीरिक प्रवृत्ति करते हैं कि जिसके कारण हमें इतना खाने की जरूरत है। और मेरा तो वजन ज्यादा ही है, कोई मुझे वैसे ही देखेंगे तो बोले मोटे है। हमारे ऑफिस में हमारे साथ जो कलीग थे, जब हमने उनको बताया कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलने जा रहा हूं, इसलिए यहाँ की नौकरी छोड़ रहा हूँ, लार्सन एंड टूब्रो में था, तब उन्होंने बताया आप कितनी भी होशियारी लगा लो,
लेकिन मैं आपको देखने आऊंगा, 15-20 साल के बाद आप पेटूमल हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा पेटूमल तो हूं ही मैं, आवाज पेटूमल, पेटूमल पता नहीं है। हाँ, हमारे पेट की लाइनिंग बढ़ जाती है, क्योंकि सब स्वामी जी बोले सब कुछ छूटता है लेकिन ये नहीं छूटता। और दादा भगवान ने बताया है कि ये स्वाद रस लुब्धता जो है वो बहुत जागृति से जाती है और उसके आधार पर सब रोग टिके हैं। तो इसके पर थोड़ा लक्ष्य देना है धीमे धीमे, पहले तो इतना लक्ष्य नहीं दे पाएंगे लेकिन उसका प्रमाण पर गौर करें तो फिर ये जागृति थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। मैं तो बहुत स्थूल जागृति की बात करता हूँ। उसका कारण क्या है कि आप बोलेंगे कि आप समाय करने बैठ जाएंगे तो एक घंटा लेंगे, चलो एक घंटे में 20-25 मिनट तो अंधेरे में ही जाएगी, ज्यादा भी जा सकती है। ऐसा नहीं है हर बार हर लोगों को, सब लोगों को ऐसा होता है, लेकिन हमारी शारीरिक परिस्थिति आज ऐसी है तो उसके ऊपर हमें पहले कुछ समझ से उसका नियंत्रण करना है। नियंत्रण करके उसको अलग दिशा में नहीं ले जाना है। ये सारा जो हमें ज्ञान मिला है अभी हमारे पास केवल ज्ञान कांड ही रहा है, कोई क्रिया कांड रहा नहीं। क्रिया, सभी क्रिया को व्यवस्थित पर छोड़ दी है, लेकिन जागृति से इसीलिए कहा कि ये ज्ञान मिलने के बाद हमारी दो ही प्रवृत्ति रही हकीकत में, निश्चय, आज्ञा का निश्चय, और आज्ञा जहां चूक जाते हैं, जहां जहां चूक जाते हैं वहां पर प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण वह जागृत होने के कारण शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो सहज है, वो करने की चीज नहीं है। जैसे आप कचरे को देखेंगे तो आप उठा लेंगे, साफ कर लेंगे, देखेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे। और पांच आज्ञा हमारी दृष्टि का उपयोग है, उसके पीछे क्रिया नहीं है। क्रिया का निश्चय है, संभाव से निपटारा करना है, शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करना है, सही है। बाकी व्यवहार दृष्टि से वो तो दृष्टि बताती है कि वो दृष्टि का काम है, क्रिया नहीं है। निश्चय दृष्टि वो भी क्रिया है। फिर व्यवस्थित शक्ति करता है वो समझना है, आज्ञा रखनी है, यानी वहां भी कोई क्रिया नहीं है। संभव से निपटारा करना है उसमें कुछ क्रिया पद आता है, और शुद्धात्मा के खाते में जमा करना है, करना करके आता है, लेकिन मुझे करना है ताकि मेरी प्रवृत्ति जो भी होती है वो शुद्धात्मा के खाते में जमा हो, ठीक है। तो ये जागृति के परिणाम से होता है और ये मेरा निश्चय है। क्यों ऐसा निश्चय करते हैं तो बोले हमने विषम भाव से सब क्रियाएं की है पहले, यानी क्रियाएं की है तो अभी उसके परिणाम विषमता वाले आते हैं, जहां हमें अच्छा बुरा लगता है। अच्छे बुरे पर हमें जागृति रहती नहीं है, अच्छे में भी बह जाते हैं और बुरे में भी बह जाते हैं, अच्छे में अटक जाते हैं बुरे में बह जाते हैं। तो बोले ये दोनों परिस्थिति में मुझे समभाव रहे, इसीलिए मैं तय करता हूं मुझे इस व्यवहार का, इस परिणाम का समभाव से निपटारा करना है, कि मैं अच्छे में, अच्छा लगने में अटक नहीं जाऊं और बुरे लगने में मैं बह नहीं जाऊं, ठीक है। यह पहले ये सब प्रवृत्ति करेंगे और निश्चय, और इसमें ये जो हमारी सुबह की जो प्रातः विधि है ना वो बहुत उपयोगी है। तो बहुत बड़ा गोल नहीं रखना है, छोटा छोटा गोल को तय करो, एकम्प्लिश करो, पूरा करो, आगे बढ़ो। जैसे जैसे वो गोल पूरा होता जाएगा आपको उसका परिणाम मिलेगा।
और जैसे जैसे परिणाम मिलेगा तो आपको अंदर से क्या बोलते हैं विश्वास बैठेगा, अंदर से शक्ति आएगी, यस मैं कर सकता हूं, मैंने किया, ये मैंने अचीव किया, तो उसके बल से और आगे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले खाना को नियंत्रण करिए, आज से नहीं खाना टोली में आता है उतना, क्योंकि वो उनको बनाने की तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि इनके सामने ये पॉइंट रेज हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये इंसिस्ट करते हैं कि नहीं और लो थोड़ा सा। हाँ, तो क्योंकि उनको उनको उनकी माता जी ने सिखा के रखा है इतना तो खाना ही चाहिए, ये शरीर की जरूरत है, ये है ये है ये है। अब वो फंस गए है कि उनको वो ज्ञान मिला है अभी जब जो प्रॉब्लम होता है ना वो ओवरवेट को ज्यादा होता है। हाँ जी, वो तो है। जो वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम है ना वो ओवरवेट वाले को ज्यादा है, अंडरवेट वाले को कम प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम अलग है, लेकिन ही मे नॉट बी ग्रॉस अंडरवेट। तो अच्छा है, लोगों को कष्ट होता है उतारने के लिए, हमको कितना कष्ट है देखो। दीपकानंद जी, ये नींद जो है, निद्रा, इसका इसके भी जागृति से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, वो पहली बात खाने से जुड़ी हुई है, दूसरी बात वो एक प्रकार का कर्म का परिणाम है, उसे दर्शन आवरण बोलते हैं। ओके। तीसरी बात यह है कि हमने मान के रखा है कि सोने में सुख है, वो सोना नहीं, स्लीप सो जाने में सुख है। कुछ लोग तो घंटों तक सो जाते हैं, और तो और उनका अलार्म बचता है, उनके अलार्म से मैं जाग जाता हूं और वे सोए हुए ही रहते हैं। अब क्या करना है? तो ये बात है, अलार्म भी सुनाई नहीं देता है, तो वो ऐसा है कि ऐसा बताया है, ये स्लीप को बहुत बड़ा दुश्मन बताया है हमारा, क्योंकि बोले बाहर अगर कोई दुश्मन है ना तो वो हमें सोने नहीं देगा, लेकिन ये जो सोना जो है, स्लीप जो है, वो बहुत डेंजरस है। तो ये इस तरह से अपने आप नियंत्रण होगा, खाना कम होगा तो फिर सोना, मैंने कहा ना कुर्सी पर बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी, बेड पर सोएंगे तो नींद नहीं आना चाहिए, उतना आपको खाना है, और तब जो आपको नींद आएगी वो रियली आपको शरीर को जरूरत है उतनी ही आएगी, आप सोना चाहो फिर भी आप नहीं सो पाएंगे। ये बात है, ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। और इनका पूनम जी का भी एक सवाल है, और जी का भी क्या है, क्वेश्चन है एक दीपकानंद जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जो हमारा 9 कलमों का कैलेंडर है उसमें हर कर्म के लिए कहा गया है कि इसको कम से कम 1 महीने के लिए करें, शक्ति मांगनी है, कितना शक्ति कैसे मांगनी है और कितने समय के लिए मांगनी है, उसका कुछ ऐसा है या ऐसा है ना कि आपको वो एकम्प्लिश करना ही है, पाना ही है, तो आप क्या करेंगे, पीछे पड़ जाएंगे उसके। हाँ, जैसे कि किसी को गोल्ड मेडल लाना है, हाँ जी, स्विमिंग में गोल्ड मेडल लाना है, दौड़ने में लाना है, तो सारे दिन में कितने घंटे दौड़ेंगे, कितने घंटे तैरेंगे, उनको जब लगता है कि अब मैं आई कैन डू इट तो वो करेंगे, क्योंकि उनका फोकस पूरा उसमें है। उसी तरह से हमें ऐसा फोकस धीमे 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 करके अपने सब फ्री टाइम को इसमें इन्वेस्ट कर देना है, क्योंकि हमें उसका रिजल्ट समझना है, चखना है, तो उसके पीछे लग जाना है। अब क्या काम है, और कुछ तो काम है नहीं, घर का काम हो गया फिर कोई काम नहीं है, तो ये सभी फ्री टाइम है उसको इसी में इन्वेस्ट करें। और अगर वो कलम के बारे में अगर आप शक्ति मांगना चाहते तो वो कलम ही बोल देना है, वही उसमें ही शक्ति है, मुझे शक्ति दो करके बोलते हैं ना। हाँ जी, तो उसको रिपीट करते जाने का सेम कलम। हाँ, रिपीट। और एक बात समझना है कि हमारा हम क्रियाकांड में नहीं है।
दिखाई देता है कि क्रिया करता है, वो प्रकृति क्रिया करती है, हमें उपयोग से रहना है। तो हम अपने उपयोग का लाभ कर लेते हैं और प्रकृति को ये क्रिया का लाभ मिल जाता है, उसके पीछे जो भी कुछ है उसको लाभ मिल जाता है। क्योंकि अभी बताया है हमें कि ये व्यवहार को मुक्त करना है, कुलभूषण जी के व्यवहार को मुक्त करना है, कुलभूषण जी के व्यवहार को मुक्त करना है जो अज्ञानता से बना है, और आज असहज है, एबनॉर्मल है। तो पहले उसको नॉर्मल होना है, फिर उसका आगे होगा। ठीक है, तो नौ कर्म बोलेंगे तो हमें उपयोग से रहना है। उपयोग का मतलब क्या है कि वो अक्षर अक्षर पढ़े, कोई क्रिया में, प्रार्थना में, विधि में जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको खत्म नहीं करना है, उसका लाभ लेना है। और हमारा लाभ देखने में है, जागृति में है, उपयोग में है। उपयोग का मतलब ज्ञान प्रकाश का उपयोग करके जो क्रिया होती है उसको हमें देख लेना है, ज्ञान क्रिया का उपयोग करके, ज्ञान का उपयोग करके जो क्रिया होती है उसको हमें देख लेना है। अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने की क्रिया करनी है, चलते हैं तो चलने की क्रिया करती है करना है, ऐसा है। ठीक है, और जैसे कोई भी, जैसे किसी ने अपमान किया उसमें हाँ। हमें दिखता है कि हाँ जी मेरा इंसल्ट हुआ, तो उसमें स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम अवस्थाएं वो कौन कौन सी बनती हैं? पहली तो देह शरीर की स्थूल अवस्था है। हाँ जी ठीक। मन की सूक्ष्म अवस्था है। हाँ जी, ये तो समझ सकते हैं, इतना तक समझ आया। हाँ जी हाँ, बस अब्बानी की अवस्था है। अब्बानी ये मेन है जो हमें इजीली समझ में आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। फिर धीमे धीमे जैसे हमारी जागृति बढ़ेगी तो हम चित्त के ऊपर आएंगे। चित्त का मतलब क्या है? ये पांच इंद्रियों के सुख में हम खो जाते हैं, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये तो समझ में आता है, बोलेंगे। और वो पता कैसे चलेगा? बानी से पता चलता है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन आता है बानी में, अच्छा लगा। वो बाहर बोलते नहीं है, बोलना तो अलग बात है, अंदर से हम महसूस करते अच्छा लगा ये। तो उसके ऊपर हमारी दृष्टि जाएगी। फिर बुद्धि के निर्णय जो होते हैं, तो जो जजमेंट बोलते हैं ना, डिसीजन, तो जहां जहां जो जो बुद्धि दिखाती है, जहां जहां बुद्धि निर्णय लेती है, तो उसके ऊपर हमें धीमे धीमे वो जागृति आएगी, क्योंकि उसको बदलना नहीं है, ये कर्म का परिणाम है, बुद्धि का डिसीजन। तो उससे हमें फिर ये निर्णय हुआ, इसके कारण ये भुगतान हुआ, वो सामने वाला दोषित नहीं है, व्यवस्थित शक्ति ने मेरे से यह निर्णय लेने का क्या बोले मैंने लिया लेना पड़ा, जिसके कारण मुझे यह हुआ। तो सामने वाली, हम क्या बोलते हैं, उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने ये किया, इसीलिए मेरी गलती नहीं है। हम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वी डू, समझ गए। फिर धीरे धीरे अहंकार पर आएगा। वो अहंकार यानी क्या है? वो डिस्चार्ज परिणाम है आई का, पहले के मैं का, आई का, मेरा, मेरेपन का परिणाम है। और वो परिणाम दो ही है, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, तीसरा है ही नहीं। कर्ता भाव का अहंकार और भुगतने वाला, भुगतान का अहंकार, वो परिणाम से होता है, कर्म का परिणाम है। और जागृत हमें कहाँ रहना है? उस भुगतान में भुगतने वाले नहीं बनना है, यानी मुझे भुगतने, भुगतान को देखना है, मैं भुगतने वाला नहीं बनूं, उस ऐसी जागृति में रहनी है,
जैसे एक बहुत स्थूल एग्जांपल क्विकली देता हूँ, कुल्लर साहब को सिर दुखता है, वो बोलते हैं बहुत सिर दुखता है, आपको क्या लगता है? वो तो बोलेंगे ना मेरा सिर दुखता है, आपको क्या लगता है किसका सिर दुखता है? आपका दुखता है? नहीं, हम बोलेंगे कुल्लर साहब का दुखता है। अभी अब जब आप बोलते हैं मेरा सिर दुखता है तो आपको क्या महसूस होता है? अपना दुख दिखता है कि मेरा है ये। तो यहाँ पर जहाँ हम जब बोलते हैं कि मेरा सिर दुखता है तो तुरंत जागृत होकर हमें बोलना है पूनम जी का सिर दुखता है, ऐसे ही याद नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। धीमे धीमे जब हम हमारी जागृति को फोकस करेंगे कि कहाँ कहाँ ये वाणी का मेरापन जो उद्गल से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हम अपने आप को जोड़ देते हैं, यानी वो जो भुगतान आता है उस भुगतान को भुगत लेते हैं हम अजागृति से, और जिसके कारण उस भुगतान का कर्ता हो जाते हैं हम, और यहां पर हम व्यवस्थित की आज्ञा चूकते हैं, और इसके कारण यहाँ पर वो समझ में नहीं आता कि वो भुगतान मैंने भुगत लिया। इसका परिणाम क्या आता है? सामने वाला जो निमित है इस भुगतान का, उसके उसके ऊपर आरोप जाता है, उनके कारण में परेशान हुई। समझे आप? ये बात है, थोड़ी गहरी है लेकिन धीरे करते हैं, ये महसूस करना है ये मेरापन जो भुगतान का है उसमें हमें जुड़ जाना नहीं है, पहचान लेना है ये किसको अच्छा लगा किसको बुरा लगा और उनके ऊपर रख देना है। पूनम जी को अच्छा लगा, पूनम जी को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, तो इस तरह से है। फिर आगे की जो परिस्थिति है वो अपने आप दिखाई देगी। अच्छा, जैसे कि आप घर से घर पर जा रहे हैं और 10 मील दूर पर है तो आपको घर दिखता है कि रास्ता दिखता है? घर दिखने लग जाता है कि हाँ जब तक पहुंच गए बस। हाँ, लेकिन अभी दिखता क्या है? आंखों से तो घर पे नजर लगी है कि है ना, तो बोले रास्ता को देखो और सही रास्ते पर चलो, जब घर नजदीक आ जाएगा तब रास्ता भी दिखेगा और घर भी दिखाई देगा। वेरी गुड। फिर घर में जाने के बाद रास्ता दिखाई देगा? बराबर है, लेकिन इसीलिए धीरज के फल मीठे होते हैं, ऐसे बताए ना। ये बात समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। सब आज बहुत उत्सुक हो गए, बोलते मेरा प्रश्न का क्या हो गया। ओके, क्विकली आई विल ट्राई टू आंसर फास्ट। भावे जी, जल्द बोलो भावे जी। हेलो भावेश भाई, जरा जल्दी से बोलिएगा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए आप। आधा तो मुझे आंसर मिल गया कि भाई आहार और नींद का क्या कैसे प्रमाण कितना रखना है, ये वो सब करें। मेरी और एक प्रार्थना करता हूँ भोजन लेते वक्त, जैसे मेडिसिन की बात हुई कि उसमें भी लेना चाहिए, कई जीव है जो सब बना के यहाँ पे बेचते हैं तभी वो मेडिसिन लेते हैं और हमें फायदा होता है। भोजन बनाने वक्त भी बहुत सारे परिस्थिति, बहुत सारे जीवात्मा है जो ये सब बनाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, हमारे घर के सदस्य महिला सदस्य बना के। सही 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 है। ये प्रार्थना हमेशा मैं रखता हूँ, और साथ में अभी ये 3 महीने के जो चल रहे अपने सत्संग है उसमें समझ में आया कि सिर्फ इतना ही नहीं, व्यवस्थित शक्ति है और दूसरे परिबल भी है जो ये सब हमें लाके मुझे भावेश को लाके दे रहे ताकि वो आहार ग्रहण कर सके, तो उन सबका मैं शुक्रिया रखता हूँ। तो यह सही है या फिर सिर्फ करेक्ट? पहले जैसे बताया ना, अभी तो हमें रास्ता ही देखना है,
जब घर नजदीक आएगा तो वो सब दूसरा सब दिखाई देगा अपने आप। अभी हम अनुमान से देखते हैं, जैसे घर दिखाई नहीं देता है आज आंखों से, पांच इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अनुमान से हम देखते हैं हमारा घर अभी नजदीक आ गया। बोलते हैं कि बम्बई 20 किलोमीटर दूरी पर है, तो हमें लगता है 20 किलोमीटर हो गया अभी, तो हमारा घर दिखाई देने लगता है। अभी घर है तो नहीं, 20 किलोमीटर दूर ही है, समझ गए। तो अभी जो उसको क्या बोलेंगे, टेंजिबल निमित है, विजिबल निमित है, उसको समझ कर पहचान कर ये भाव से हमें वो प्रार्थना करनी है, ठीक है, फिर अपने आप वो सब दिखाई देगा। तो यानी ये जो प्रार्थना करके विधि करके भोजन के वक्त पूरा चित हाजिर रख के लेते हैं भोजन, तो वो सही करेक, है करेक्ट करेक्ट सही है बराबर है। जरा असंतोष है तो बताना। हाँ हाँ जी हाँ, जय सच्चिदानंद। अम्मी बहन जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मुझे ये जानना है विनय और परम विनय के बारे में थोड़ा समझाएंगे। देखो जब ज्ञान नहीं होता है तो भगवान की पहचान नहीं होती। ओके। तब भगवान के दर्शन उनको केवल मंदिर में होता है, देरासर में होता है, चर्च में होता है, और वैसे इस्लाम लोग भगवान को मानते नहीं, लेकिन वो बोलते अल्लाह है करके। लेकिन वो ऐसा वो क्या बोलते हैं, वो गोखला बोलते हैं ना गुजराती में, वो उसको पूजते हैं कि यहाँ ऐसा है, यानी वो जहाँ वहाँ जहाँ पर भगवान को प्रस्थापित किया है वहां भगवान है करके मानते हैं, और जीवन में विवेक से जीते हैं। बराबर। भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, पता नहीं है। अब जब हमें पता चला है, यानी जिनको ज्ञान नहीं मिला है वो बोलते हैं भगवान हमारे भीतर है, लेकिन ऐसी जागृति नहीं रहती, ऐसी जागृति नहीं रहेगी, तो वो भी एक विवेक में ही जाता है, सत विवेक में जाता है, सत विवेक, और बुजुर्गों के साथ ठीक तरह से व्यवहार करना वो विवेक में जाता है, और उसका विरोध अविवेक है, बुजुर्ग को वो गिनती में नहीं रखते ऐसा बोलते ना। जब ज्ञान मिलता है तब भगवान की पहचान होती है, और तब क्योंकि आपको भगवान लक्ष्य में आए हैं, मेरा स्वरूप मुझे लक्ष्य में आया है, तब से सही मायने में विनय शुरू होता है कि मैं मेरे खुद में भी भगवत स्वरूप का दर्शन करता हूँ और सभी के भीतर भी भगवत स्वरूप का दर्शन करता जाता हूँ। तो एक विनय खुला होता है, और यह विनय बढ़ते बढ़ते परम विनय का मतलब क्या है कि सभी के अंदर मैं ही हूं ऐसा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तब किसके साथ झगड़ा करेंगे। कान साफ करते हैं और लग जाता है तो मारते हैं, लगा दिया मुझे, लेकिन किसी और को बोलो जरा मेरा कान में देखो ना, और उसका हाथ कुछ जल जाता है तो ऐसा करके चले जाता है हमारा हाथ, ठीक है, ठीक है, इस तरह से होगा। ओके। ये तो मैंने बहुत स्थूल एग्जांपल दिया। हाँ। समझ गए। तो परम विनय में अभेदता का पूर्णता अनुभव होता है। वो अभेदता ज्ञानी पुरुष या तीर्थंकर परमात्मा को होती है, हमारे महात्माओं को यह विनय की शुरुआत हुई है। ओके। ठीक है। हाँ। आपने एक बार सत्संग में बताया था कि विनय अगर करना है तो पहले एक नंबर की फाइल से शुरू करना है। हाँ, तो ऐसा बताया दादा भगवान ने बताया था कि हम सारे दिन में मोर देन 1000 times हमारे भीतर के प्रकट दादा भगवान को नमस्कार करते हैं। अच्छा। हम कितनी बार करते हैं वो देख लो, सोच लो, समझ लो और उसके पीछे लग जाओ। फिर हमारे घर वाले हैं उनके ऊपर हमारी नजर जाएगी, वरना बहुत बहुत औपचारिकता से हम शुद्धात्मा के दर्शन करते हैं, विवेक से समझ से नहीं करते। जब तक वो विवेक और समझ हमारे अंदर आएगी तब बाहर अपने आप रहेगी। ओके। ठीक। हाँ। जय सच्चिदानंद। अरिष्ट जी अभी आपका टर्न आया।
अरे बेटे जय सच्चिदानंद, आपकी आवाज सुनने के लिए तो मैं कितना तरसता था और आपका नंबर लास्ट था, अब क्या करूं? बोलिए बोलिए। मैं ये प्रश्न है कि हंसी को काम कैसे करें, जैसे कि मुझे कोई डांटता है तो मैं हंसता हूँ। क्या क्या हंसी? हंसी को हंसी हंसी को कम कैसे करें? हाँ, जैसे कि मुझे डांट पिटती तो भी मैं हंसता हूँ। ऐसा है ना, जब कोई डांटते हैं तो ऐसा लोग अपेक्षा रखते हैं कि आपको दुखी होना चाहिए, आपको रोना चाहिए वगैरह। मैं एक प्रश्न पूछूं आपको, कोई अगर डांटते हैं तो आपको हंसी कैसे आती है वो तो बताओ। हामी जी हंसी आ जाती खुद ही। हाँ, हंसी खुद ही आ जाती है, कभी भी आ जाती है ना, क्योंकि आप वो हैप्पी बॉय है ना। कुछ 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 बेबीज है ना, क्राई बेबी होते हैं, ऐसा होते है, सुना है कुछ आने जी? आप हैप्पी बेबी है, ठीक है। तो ये हंसी तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों के सामने लोग डांटते हैं तब अगर आप हंसते हैं ना तो उनको और भी कुछ आता है। लेकिन आप तो गलती नहीं करते होंगे ना? आप तो कभी गलती नहीं करते ना? करता हूँ थोड़ी थोड़ी। तो थोड़ी थोड़ी करते हैं तो गलती होने के बाद या जब होती है तो कोई तो आपको डांटेगा ना। जब डांटते हैं ना तो अपने आप को ऐसा बोलो, हंसना नहीं अभी, नहीं तो और डांट पड़ेगी, ठीक है, फिर बाद में हंस लेना। क्योंकि अगर कोई डांटता है और अगर कोई आप हंसेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। और आप अंदर से तय करते हैं मेरे मन वचन कहाँ से किसी को भी दुख ना हो ना हो ना हो, तो आपकी हंसी अगर किसी को दुख होता है वो दुख कहाँ जाएगा कि नहीं वो बताओ आप। समझ गए? ऐसा है ना, आप बड़े दुखी हो गए ना, ऐसा करके बैठना है आप। जब कोई डांटता है तो आप अपना मुंह लटका के बैठ जाने का, हंसेगा नहीं कभी। अगर हंसेंगे तो उनको बुरा लगता है कि अरे मैं डांटता हूँ और ये हंस रहा है, मेरी मजाक करता है, ऐसा नहीं लगेगा जी स्वामी जी। और दूसरी बात यह है कि अभी कौन डांटता है आपको, आपको कौन कौन डांटते हैं, एक दो तो बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है, जब मम्मा डांटती है ना तो आप बोलो कि अगर मैं मुंह चढ़ा के बैठूं तो आपको अच्छा लगेगा, कि मैं हंसूं तो आपको अच्छा लगेगा। यानी आपकी डांट मैं सीरियसली लूं या मजाक में लूं? सीरियस। हाँ, तो जो सीरियसली अगर आप लेते हैं तो उनकी डांट के ऊपर आप हंसेंगे तो फिर उनको गुस्सा नहीं आएगा और ज्यादा। और अगर आपने सीरियसली लिया है ऐसा करके आप बैठ जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि उन्होंने सुना और इसने सुना और मेरी बात, वो बोलता है अच्छा अच्छा बोलता है लेकिन नहीं वो कुछ सुनता भी है मम्मा का। समझ गए? और फिर अपने आप को कहो ये अरिष्ट ये क्या करते रहते हो, मम्मी को डांटना पड़े तब तक आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। अपने आप को देखो, कोई डांटता है तो आपको अच्छा लगता है? नहीं। अगर आपको ऐसा करना है कि कोई आपको डांटे नहीं तो आप अपने आप को डांटो, डांट पाएंगे आप? क्या हो गया, बंद कैसे हो गया? हाँ अब बोलो, अपने आप को कभी डांटा है आपने? हाँ, तो अभी डांटेंगे ना अपने आप को तो फिर कोई और आपको डांटेंगे नहीं। और अगर फिर मम्मी डांटते हैं ना तो आप बोल दो मम्मा मैंने अरिष्ट को डांट लिया ऑलरेडी, फिर भी मैं सॉरी कहता हूँ। फिर वो सोचेंगे कि क्या बात है, मेरा बेटा अभी से इतने छोटे छोटे भी सियाना हो गया है, फिर उनका डांटना बंद हो जाएगा। उनको वो डांटते हैं क्यों,
क्योंकि आप जागृत हो जाए कि आप ये गलती की है, आपकी समझ में आए और ये गलती ना करें। सही है, मम्मी को पूछ लेना फिर कि आप डांटने का कारण क्या है। मैं गलती करता हूँ, वो गलती ना करूं, क्योंकि गलती करने से आपको सुख आएगा कि दुख आएगा? दुख। हाँ, तो आपको दुखी तो होना नहीं है ना, फिर आपकी हंसी चली जाएगी ना। फिर देखो, आप हंसेंगे तो आपका फोटो कैसा आएगा, अच्छा आएगा? नहीं। हंसेंगे तो फोटो अच्छा आता है ना, और रोते हैं तो फोटो कैसा आता है? ना। हाँ, तो आपकी फोटो अच्छी होनी चाहिए ना, तो आपकी गलती नहीं करनी है, और गलती नहीं करने के लिए आप खुद अपने आप को डांटो, तो और कोई डांटेंगे नहीं आप। फिर आप हंसते रहो ना, फिर आपको कोई रोकेगा नहीं, फिर कोई डांटने का संजोग ही नहीं आए तो। समझ गए? समझ गए ना? जी स्वामी। अभी हमारा टाइम खत्म हो गया, तो आप मेरे साथ त्रिमंत्र बोलेंगे? जी स्वामी। ओके चलो, और कोई है तो बुला लो, ठीक है, साथ बोलने के लिए। हाँ, कौन है? आ तो घर में पापा मम्मी सब होंगे ना, बोलो। ठीक है, नहीं आने दो, हम है ना। चलो, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पाव प्रणाशनो, सव पाव प्रणाशनो, मंगलानं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद बेटे, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, सभी महात्माओं को जय।